स्कूल हो, कॉलेज हो, ऑफिस हो या हो कोई पार्टी प्रोग्राम, टाई की अपनी एक अलग ही शान है। कहाँ से आई ये टाई, किस देश में हुआ इसका विकास, किस देश के लोगों ने इसे सबसे पहले यूज़ किया। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे। यदि आप स्टूडेंट हैं तो अपने टीचर से जरूर पूछिएगा कि टाई का आविष्कार हुआ कहाँ से है, किस देश के लोगों ने इसका उपयोग किया। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। फ्रांस में लगातार 30 वर्षों तक युद्ध होने के कारण वहां के राजा किंग लुइस ने क्रोएशियाई के सैनिकों को भाड़े पर लिया, जिन्होंने अपनी गर्दन के चारों ओर कपड़े का एक टुकड़ा बांध रखा था। उन्हें यह कपड़े का टुकड़ा बहुत ही पसंद आया और युद्ध समाप्त होने के बाद उन्होंने अपनी रॉयल सभाओं के लिए इसे अनिवार्य कर दिया। तो दोस्तों इस तरह टाई का जन्म हुआ और टाई का आविष्कार हुआ। सबसे पहले टाई का उपयोग क्रोएशियाई के सैनिकों ने किया, बाद में राजा लुइस ने क्रोएशियाई के सैनिकों का सम्मान करने के लिए इसे लोक्रोवेट किया। दोस्तों फ्रांस में आज भी टाई को लोक्रोवेट के नाम से ही जाना जाता है। इसके बाद 19वीं शताब्दी के अंदर टाई का बहुत तेजी से विकास हुआ। कई देशों में इसे टाई के नाम से जाना जाता है, कई देशों में इसे निकटाई के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन फ्रांस में इसे आज भी लोक्रोवेट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और इसी तरह की नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।